हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गॉस केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन के फिफ्थ लेक्चर के बारे में। हम लोग बात करेंगे आज कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में हमारा क्या है, इससे पहले हमने बताया था एल्डोल कंडेंसेशन में बताया था। एल्डोल कंडेंसेशन का जस्ट थोड़ा सा अपोजिट मामला यहाँ पर होता है। एल्डोल कंडेंसेशन में हमने बताया था कि ऐसे एल्डिहाइड की बात किया था या कीटोन की बात किया था जिसके पास क्या हो बेटा, अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक। लेकिन यहां पर अगर बात किया जाए तो यहां पर सीधा सीधा ये बात है कि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन ना हो। नहीं, ये बात मैं बोलूंगा कि फॉर्मल्डिहाइड की बात कर लिया जाए, SCHO की बात कर लिया जाए, C6H5CHO बोले तो बेंजल्डिहाइड की बात कर लिया जाए, या कोई सा भी एल्डिहाइड, ऐसा एल्डिहाइड हो जिसके पास क्या होता हो, अल्फा हाइड्रोजन ना होता हो, वो क्या करेगा, हमारा अल्कलाइन सोल्यूशन के साथ लाइक NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन लोगों के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करता है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि सेम स्पीसीज हमारी क्या हो रही हो, ऑक्सीडाइज भी हो रही हो, सेम स्पीसीज हमारी क्या हो रही हो, रिड्यूस भी हो रही हो। जैसा कि आप देखेंगे फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड व्हिच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेट अल्कलाइन सोल्यूशन, कंसेंट्रेट अल्कलाइन सोल्यूशन के साथ फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड या कोई सा भी ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास क्या होता हो, अल्फा हाइड्रोजन ना होता हो, वो क्या करेगा, कंसेंट्रेटेड अल्कलाइन सोल्यूशन के साथ रिएक्शन को शो करेगा और कैनिजारो रिएक्शन होगी, ठीक। इसमें क्या होता है, वन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज टू साल्ट ऑफ एसिड। अभी जैसे मैंने बताया कि एक मॉलिक्यूल तो हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइज होकर के एसिड बनाता है, या एज बोल सकते हैं अगर बोला जाए तो साल्ट ऑफ एसिड का फॉर्मेशन करता है, और दूसरा जो हमारा क्या कहते हैं स्पीसीज होगा, क्योंकि दो इस मॉलिक्यूल लेकर के हम कैनिजारो रिएक्शन करवाते हैं लेकिन सेम ही मॉलिक्यूल होता है फिलहाल, ठीक है, एंड अदर रिड्यूस टू एल्कोहल, और दूसरा क्या हो जाएगा, एल्कोहल, यानी कि अगर एल्डिहाइड है, अगर एल्कोहल बना तो इसका मतलब रिडक्शन हुआ, और अगर वही एल्डिहाइड अगर ऑक्सीडाइज होकर के, या ऐसे बोल सकते हैं एसिड का फॉर्मेशन हुआ या साल्ट ऑफ एसिड का फॉर्मेशन हुआ, तो ये बात मैं बोलूंगा उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी ये बात मैं बोल सकता हूं, एक मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज होगा तब हमारा क्या बनाएगा, साल्ट ऑफ एसिड का फॉर्मेशन होगा, और अदर मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर के क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। इन द सेंस एक वर्ड में हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, सेम स्पीसीज हमारी ऑक्सीडाइज भी होती है और सेम स्पीसीज हमारी क्या होती है, रिड्यूस भी होती है, ठीक। अब हम बात करेंगे, अच्छा एग्जाम्पल एक पॉइंट और भी मैं बोलूंगा कि इस कैनिजारो रिएक्शन में जो मेन पॉइंट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो रिएक्शन इन व्हिच प्रोटॉन या हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन। ये हमारी जो कैनिजारो रिएक्शन होती है उसमें प्रोटॉन या हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, इस वजह से इसको हम प्रोटॉन हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन भी बोल सकते हैं, जो कि जहां पर भी ये रिएक्शन होगी, प्रोटॉन या हाइड्राइड का ट्रांसफर होता है, वो हमारी क्या होती है, स्लोवेस्ट स्टेप होती है, और स्लोवेस्ट स्टेप होने की वजह से ये हमारी क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। क्या होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपको हमने क्या कहते हैं, काइनेटिक्स में बताया था कि स्लोवेस्ट स्टेप जो होती है हमारी कौन सी स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, ठीक। तो ये हमारी हो गई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा मैं अब इन सब चीजों को मैं थोड़ा एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसा कि अगर आप देखें तो ये हमारा कौन है, फॉर्मल्डिहाइड, HCHO फॉर्मल्डिहाइड, इसमें हमारा क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेट अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 50% इस तरीके से दिखाया जाता है। ये हमारा क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन हो रहा है, सोडियम क्या है, फॉर्मेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये हमारा कौन है, मेथाइल अल्कोहल, यानी एक कार्बन का अल्कोहल कौन सा अल्कोहल हो गया, मेथाइल अल्कोहल, ठीक। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, सेम स्पीसीज हमारी ऑक्सीडाइज हुई है तो सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन हुआ है, सेम स्पीसीज हमारी रिड्यूस हुई है तो हमारा क्या हुआ है, मेथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक। अच्छा इसके मैकेनिज्म की अगर मैं बात कर लूं बेटा, अगर मैं इसके मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिज्म में थोड़ा सा आप देख सकते हैं, मैं दो स्टेप में थोड़ा सा समझाना चाहूं, वो भी बड़े ऐसी शॉर्ट मेथड से, बहुत ही शॉर्ट करके मैंने बताया है, बस आपको इस तरीके से रिएक्शन याद होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कैसे हुई तो मैं उसको थोड़ा सा बताता हूं। OH- इसमें क्या होता है, सबसे पहले NaOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है हमारा रिएजेंट, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है
वो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो होगा वो पहले ब्रेक होगा किसमें बेटा, Na प्लस में प्लस OH माइनस में, यानी एक होगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा हमारा कौन होगा न्यूक्लियोफाइल। और इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियोफाइल जो होगा OH माइनस जो होगा, वही कह रहा है OH माइनस अटैक फर्स्ट ऑन कार्बोनिल कार्बन टू फॉर्म हाइड्रोक्सी अल्काक्साइड। ध्यान दीजिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लेट अस कंसीडर दैट कि दो मॉलिक्यूल थे हमारे फॉर्मल्डिहाइड के, एक मॉलिक्यूल पर हमारा क्या हुआ OH माइनस, यानी कि ये हमारा कौन है बेटा न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या हो गया रिएक्ट अटैक किया। अटैक करने के बाद ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को इस तरीके से माइनस और इस प्लस में इस तरीके से ब्रेक कर देगा कार्बोनिल कार्बन को, ठीक। और उसके बाद ये निगेटिव वाला पोर्शन आकर के इस तरीके से हमारा आकर के इस पॉजिटिव वाले से आकर के एड अप हो जाएगा पहले स्टेप में, और ये हमारा क्या बनेगा एच, दोनों उंगलियों पर ध्यान दीजिएगा एच सी एच, और ये ओ एच आकर के इस पॉजिटिव से जुड़ जाएगा और ओ माइनस, यानी इस तरीके से हमारा एनायन का फॉर्मेशन हुआ, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड। ये क्या होगा हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड, इसे हम बोलेंगे ठीक, हाइड्रोक्सी एल्काक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। अब यही हमारा जो एनायन है वही एनायन हमारा क्या होगा हाइड्राइड आयन डोनर के तरीके, हाइड्राइड आयन डोनर टू सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। ये हमारा जो होगा ये हमारा हाइड्रोक्सी एल्काक्साइड आयन एज ए डोनर के तरीके काम करेगा, हाइड्राइड डोनर के तरीके, और यहां पर ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद ये हमारा निगेटिव ये हमारा पॉजिटिव, जिससे कि पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड बना सके, और ये जो होगा हाइड्राइड ये हमारा इस तरीके से ब्रेक होगा निगेटिव में और ये पॉजिटिव में, ठीक है। और ये हाइड्राइड आयन जो होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं आपका यहाँ आकर के इस पॉजिटिव से ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद अगर आप देखें तो C है यहाँ पर, H है और एक H और है, और एक H और आकर के O माइनस, यानी इस तरीके से हमारा इस तरीके से एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। और दूसरा जो हमारा बचेगा वो क्या बचेगा, आप ध्यान दीजिएगा एच सी और ये निगेटिव ये पॉजिटिव आपस में क्या करेगा डबल बॉन्ड बना लेगा एच सी ओ ओ एच, यानी कि इस तरीके से क्या बन जाएगा फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हमारा सोडियम ओ एच का इस्तेमाल तो कर लिया गया था, अगर आप आगे भी इस रिएक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो सोडियम से रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, अगर आप देखें अगर रिएक्शन यहीं पर रोकना चाहें तो एक बता सकते हैं कि हमारा ये इस तरीके से अल्कोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, मेथॉक्साइड का फॉर्मेशन, ये होगा फॉर्मिक एसिड। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन में पूरी तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं इस रिएक्शन को कि सर कैसे हुआ, तो मैं आगे थोड़ा सा एक स्टेप और भी बढ़ा देता हूं फिलहाल आपके समझने के लिए। ये हमारा अभी सोडियम हमारा क्या होगा इस एसिड से रिएक्शन करेगा और HCOONa, यानी सोडियम फार्मेट का फॉर्मेशन हमारा, इसका फॉर्मेशन यहां पर हो गया। अच्छा, ये फार्मेट का फॉर्मेशन हुआ होगा तो यहां से एच प्लस ओ माइनस में टूटा होगा, और यही H प्लस जो है ये हमारा इस तरीके से यहां इससे आके रिएक्शन कर जाएगा, और रिएक्शन करने के बाद हमारा जो होगा ये बनेगा क्या, थोड़ा सा इस तरीके से हम दिखा दे रहे CH3 हो जाएगा और O और H, यानी कि मेथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्टीमेटली मेथाइल एल्कोहल और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से सारी चीजें समझ में आना चाहिए, पहले हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ है, फिर अल्कोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, फिर फॉर्मिक एसिड, बस इतने काफी है। लेकिन अगर चाहते हैं कि सोडियम प्लस रिएक्शन करेंगे, सोडियम हमारा होता है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन होगा, और वही जो डिस्प्लेस हाइड्रोजन है जिसे हम बोल रहे थे क्या प्रोटॉन ट्रांसफर या हाइड्राइड ट्रांसफर, इधर प्रोटॉन ट्रांसफर इसको भी बोल सकते हैं, ये ट्रांसफर होकर के एच एच सी ओ माइनस की बात किया जाए तो ये क्या बन जाएगा, जैसे ही एच प्लस इसे मिलेगा, एच प्लस मिलने के बाद हमारा क्या बन जाएगा ये सी एच थ्री OH का फॉर्मेशन हो जाएगा, मेथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से हमने आपको बता दिया, और ये हमारी कैसी स्टेप है, स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप इज हमारी क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है,
ठीक है। स्लो स्टेप जो होती है वो हमारी क्या होती है बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों? क्योंकि हम कभी भी किसी तरीके से अगर साथ में सबको साथ में लेके चलना चाहें तो जो बच्चा सबसे स्लो स्पीड से लिखता है हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक स्लो वाला बच्चा लिख नहीं पाता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, फास्ट लड़कों लिखने वाले बच्चों से हमारा वो हमारे पढ़ाने की रेट को डिटरमाइन नहीं करते, वो जो स्लोएस्ट बच्चा होगा लिखने वाला बच्चा वो हमारा स्लोएस्ट हमारी रेट डिटरमाइन हमारी पढ़ाने की रेट को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। एकदम उसी तरीके से इसको भी बात कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन में अगर कोई भी रिएक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन हो तो जो हमारी स्लोएस्ट स्टेप होती है वो हमारी क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। ठीक इस तरीके से हमने आपको काइनेटिक्स में बताया था, ठीक है, रेट को हम कैसे निकालते हैं, ऑर्डर को कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम वहां पर बता चुके हैं। फिलहाल हम लोग आगे बात करते हैं। ये हमने फॉर्मल्डिहाइड बता दिया, फॉर्मल्डिहाइड के साथ साथ बेंजल्डिहाइड की बात किया जाए तो हमारा यह क्या है, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। बेंजल्डिहाइड से क्या होगा, एक मॉलिक्यूल हमारा बेंजाइल अल्कोहल, दूसरा हमारा सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नाम नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, ये क्या है, CCl3CHO। ठीक है, ट्राइक्लोरो अगर बात किया जाए, ये हकीकत तो कौन है, क्लोरल है। ये क्या है, क्लोरल है। ठीक है, CCl3CHO ये हमारा कौन है, क्लोरल है। और ये हमारा जो क्लोरल है क्या कहते हैं, क्लोरल भी हमारा क्या शो करेगा, कैनिजारो रिएक्शन को शो करेगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर ये फॉर्मल्डिहाइड, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हुआ, फंक्शनल ग्रुप से लगा कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन में कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन, हाइड्रोजन है ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा कैनिजारो रिएक्शन को शो करेगा। और ये क्या बनाएगा, CCl3CH2H लाइक दिस, CCl3COOK लाइक दिस। ये हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कोई सा भी ले सकते हैं, अल्कलाइन सोल्यूशन। ठीक, कंसंट्रेट अल्कलाइन सोल्यूशन। अच्छा, इसको भी अगर मैं बात करूं तो 2-2 डाइमेथाइल और प्रोपेनल की अगर बात किया जाए, या ऐसे बोल सकते हैं CCH3 का होल थ्राइस CHO। अगर मैं बात करूं, ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप, इस फंक्शनल ग्रुप से लगा कार्बन ये हमारा अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से लगा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, जब अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या शो करेगा, कैनिजारो रिएक्शन को शो करेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हमने 4 दे दिया, 1, 2, 3 और फॉर्मल्डिहाइड का लेकर के 4। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड एकदम सेम, उस तरीके से एकदम सेम कंडीशन, वही सब जो मैंने पीछे बताई है, रेजेंट की बात हम कर ही चुके हैं। एक हमारा क्या होगा इस तरीके से अल्कोहल में, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, साल्ट ऑफ क्या कहते हैं, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारी कौन सी थी, कैनिजारो रिएक्शन थी। अच्छा, जैसे ही हमने आपको एल्डॉन कंडेंसेशन में नॉर्मल एल्डॉल कंडेंसेशन बताया था, फिर क्रॉस एल्डॉल कंडेंसेशन की बात किया था, 4 प्रोडक्ट बने थे, याद होगा आपको। ठीक है, याद अगर नहीं याद है तो आप प्रीवियस लेक्चर में आप हमारे देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन की बात किया जाए, तो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में यानी कि कहने का मकसद यही हुआ कि ये तो हम दो मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल को लिया करते थे, अगर इन्हीं दोनों में से, इन्हीं में से दो अलग अलग मॉलिक्यूल को ले लिया जाए तब उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। लेकिन शर्त ये है, लाइक अगर मैं बात करूं ये हमारा कौन है बेटा, बेंजल्डिहाइड है, ये हमारा कौन है, बेंजल्डिहाइड है, और ये हमारा कौन है, फॉर्मल्डिहाइड है। अगर मैं बात करूं बेंजल्डिहाइड की, अगर मैं बात करूं तो बेंजल्डिहाइड है, ये हमारा कौन है, फॉर्मल्डिहाइड है, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं। अगर मैं बात करूं तो यहां पर शर्त तो ये बात निकल के आती है, अगर एक मॉलिक्यूल, एक ही टाइप के दो मॉलिक्यूल होते तो सेम स्पीशीज हमारी ऑक्सिडाइज भी हो जाती, सेम स्पीशीज हमारी रिड्यूस हो जाती। लेकिन अगर हम बात करें बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड की, अगर बात करूं NaOH रिएक्शन करवा दिया जाए, तब यहां पर क्या होता है, जो हमारा स्मॉलर मॉलिक्यूल यानी कि फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो हमारा साल्ट ऑफ एसिड में या एसिड में, कि अगर मैं डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवा दिया जाए तो एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है। फिलहाल मैं ये बात करूंगा फॉर्मल्डिहाइड हमारा क्या होगा, साल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट होगा, और बेंजल्डिहाइड हमारा क्या होता है, अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। जैसा कि इसमें अगर देखेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड ही एक ही मॉलिक्यूल हमारा क्या कहते हैं, साल्ट ऑफ एसिड और क्या, अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ करता था। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल्डिहाइड एसिड में और बेंजल्डिहाइड किस में, अल्कोहल में। आइए हम लोग बात करते हैं, ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाई गई, तो C6H5CH2H ये हमारा क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा इस तरीके से बेंजोइक सोडियम बेंजोएट नहीं बनता बेटा, यहां पर क्या बनेगा, बेंजाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, बेंजाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और बेंजाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और ये सोडियम क्या बनेगा, फार्मेट का फॉर्मेशन होगा।
ना कि सोडियम बेंजाइल अल्कोहल की, सोडियम बेंजुएट और क्या कहते हैं मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो, उल्टा मत कर देना, ध्यान दीजिएगा, छोटा वाला एसिड में बड़े वाले मॉलिक्यूल किसमें, अल्कोहल में, ठीक इस तरीके से क्लियर हो गया। इसे बोलेंगे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, यानी दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में कैनिजारो रिएक्शन हो रही थी। ठीक, अब हम बात करेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर, एक एक स्टेप हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। इंट्रामॉलिक्यूलर या इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर या इंटरनल का मतलब यह हुआ कि अभी तक हम क्या करते थे, दो सेम टाइप के लिए थे तो वो हो गई कैनिजारो रिएक्शन, दो डिफरेंट डिफरेंट ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो उसे हमने बोला क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अब मैं क्या करूंगा, किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर ही अगर हमारे क्या हो, दो क्या कहते हैं इस तरीके से एल्डिहाइड ग्रुप हो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तब हमारा क्या होता है, उसे बोलेंगे इंटरनल या इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। जैसे हमने बताया था इंट्रामॉलिक्यूलर क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन भी बताई थी, रिंग का फॉर्मेशन हुआ था प्रीवियस लेक्चर आप देखें। ठीक, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा CHO दो हमारे क्या है एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक, और इसे इसका नाम क्या है फिलहाल ग्लाइऑक्सल। अगर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा दिया, 50% कंसंट्रेटेड अल्कलाइन सोल्यूशन अगर ले लिया, तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप हमारा CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा ग्रुप हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COONa में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से CH2OH एक हमारा अल्कोहल में, दूसरा वाला हमारा साल्ट ऑफ एसिड में, अल्कोहल साल्ट ऑफ एसिड अल्कोहल साल्ट ऑफ एसिड अल्कोहल, जैसे बना वैसे ही करते चलेंगे, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे किसी एक ही मॉलिक्यूल में हो जाएगा। अच्छा, ये हमारा क्या होता है, अच्छा मैंने अभी ये बोल दिया था फॉर्मिक एसिड एसिड में, फॉर्मल्डिहाइड एसिड में, क्यों बोला, क्योंकि अगर मैं फिर इसके आगे अगर रिएक्शन मैंने डाइल्यूट HCl वगैरह की करवा दूं तो ये सोडियम फॉर्मेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फॉर्मिक एसिड में। ठीक है, और HCl हमारा वहां से अलग हो जाएगा। तो उसी तरीके से मैं बोल रहा हूं कि अगर मैंने डाइल्यूट HCl से कास मैंने रिएक्शन करवा दिया तो ये हमारा CH2OH अल्कोहल पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये साल्ट ऑफ जो एसिड था वो हमारा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका नाम होगा ग्लाइकोलिक एसिड। क्या नाम होगा बेटा, ग्लाइकोलिक एसिड, CH2OH COOH को हम क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड। ये हो गया हमारा क्या कहते हैं इस तरीके से इंट्रामॉलिक्यूलर या इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। अच्छा, एक एग्जांपल हमारे पास और भी है, थोड़ा सा अलग सा है फिलहाल, लेकिन फिर भी मैं बात करता हूं। जैसे कि हमारा HC डबल बॉन्डो H यानी ग्लाइऑक्सल था, वहीं पर HH हटा करके C6H5 लगा दिया, यानी डाइफिनाइल ग्लाइऑक्सल का नाम हमने ले लिया। अगर NaOH से रिएक्शन करवा दिया जाए तो यहां पर क्या होगा, एज इट इज सेम टू सेम, यहां जैसे एक हमारा किसमें अल्कोहल में और दूसरा हमारा साल्ट ऑफ एसिड में, वैसे ही यहां पर भी एक एल्कोहल एक साल्ट ऑफ एसिड में जब कन्वर्ट होगा तो इसका रीअरेंजमेंट हो जाने होने को चाह रहा है, यानी C6H5 दोनों आकर के किसी एक कार्बन पर जुड़ जाएगा, C6H5 ये आ जाएगा, C के साथ OH आ जाएगा, दूसरे के साथ COONa, यानी किसी एक कार्बन से OH और COONa, थोड़ा सा अलग सा मॉलिक्यूल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का थोड़ा सा थोड़ी सी रिएक्शन है, ध्यान दीजिए, क्योंकि इस तरीके का वो रिएक्शन वहां पर पॉसिबल नहीं हो पाएगी, इसलिए C6H5 COONa, इसका नाम होता है सोडियम बेंजाइलेट नाम है इसका, नॉट बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट तो होता है C6H5 COONa, ठीक है, लेकिन ये क्या है C6H5 दो है, COONa भी है OH भी है, सोडियम क्या नाम है इसका, बेंजाइलेट। ठीक, इस तरीके से हमने क्या किया, एक हमारी हो गई कैनिजारो रिएक्शन बेटा, दूसरी हो गई क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन और हम तीसरी हो गई इंट्रामॉलिक्यूलर या इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने एल्डोल कंडेंसेशन में हमने कई सारे परकिंस रिएक्शंस की बात किया था और भी सारी रिएक्शन को हमने एक साथ इकट्ठा कर दिया था एकदम सेम टू सेम एजिटी, यहां पर भी हम थोड़ा सिस्टमेटिसिटी हमारे अंदर थोड़ा सा है बेटा, हम क्या करेंगे इससे रिलेटेड जितनी भी रिएक्शन है उनको हम इन्हीं के साथ इस तरीके से ऐड कर देते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आइए किस तरीके से हम लोग बात करेंगे, कैनिजारो के से ही रिलेटेड रिएक्शन है हमारी, कौन है, टिशिनको रिएक्शन। टिशिनको रिएक्शन को हम एक बात बोलेंगे, इट इज मॉडिफाइड कैनिजारो रिएक्शन, ये एक तरीके की कैनिजारो ही रिएक्शन है। अच्छा, एक बात मैं भूल गया अभी कैनिजारो रिएक्शन बताते वक्त, उसमें लिखवाना ये था, लिखवाना क्या था, मैं ओरली बोल दे रहा हूँ कि कैनिजारो, कोई भी कैनिजारो रिएक्शन अगर हम बात करें तो वो कीटोन के द्वारा शो नहीं की जाती,
कीटोन कैनिजारो रिएक्शन को नहीं शो करता, केवल केवल एल्डिहाइड ही कैनिजारो रिएक्शन को क्या करता है, शो करता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। फिलहाल हम बात आगे बढ़ाते हैं। टिसिनको रिएक्शन की अगर बात किया जाए, इट इज मॉडिफाइड कैनिजारो रिएक्शन, ये एक तरीके की कैनिजारो ही रिएक्शन है। कैसे कैनिजारो रिएक्शन है हम आपको बताते हैं। अभी मैंने आपसे कहा था कि ऐसे एल्डिहाइड की बात किया था जिसके पास क्या बताया था, अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है। लेकिन ये टिसिनको रिएक्शन क्या कहती है, ये कहती है कि ये कोई जरूरी नहीं है, चाहे अल्फा हाइड्रोजन हो या अल्फा हाइड्रोजन ना हो, डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि ये क्या करेगा, एल्युमिनियम एथोक्साइड से रिएक्शन करके AlOC2S5 का होल थ्राइस, OC2S5 को होल थ्राइस Al भी बोल सकते हो, एल्युमिनियम एथोक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद जो दो हमने एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिया था, चाहे उसमें अल्फा हाइड्रोजन हो या अल्फा हाइड्रोजन ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक मॉलिक्यूल हमारा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तो मैंने बताया ही था कैनिजारो रिएक्शन में ही यही था, जबकि जब हम क्या करेंगे, ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वो कंसंट्रेट NaOH या क्या कहते हैं KOH रिएक्शन करने के बाद एक मॉलिक्यूल सॉल्ट ऑफ एसिड बनना करता था, दूसरा मॉलिक्यूल एल्कोहल में, तो वही बात तो एक एसिड और एक अल्कोहल में, तो उसी से रिलेटेड है, इसीलिए हमने क्या बोला इसको, इट इज मॉडिफाइड कैनिजारो रिएक्शन। हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आल एल्डिहाइड, कोई सा भी एल्डिहाइड हो, विद आर विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, चाहे उसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो या अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, अंडर कैनिजारो रिएक्शन को शो करेगी, किसके साथ, एल्युमिनियम एथोक्साइड के साथ, AlC2S5O का होल थ्राइस Al, which further reaction form ester। ये हाँ, यहाँ बात थोड़ा सा फंस जाती है कि ये हमारा क्या होगा, जब कभी भी ये, जैसे कि अगर बात किया जाए, ये हमारा एस्टरडिहाइड है, दो मॉलिक्यूल लिया मैंने, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तीन अल्फा हाइड्रोजन है, एल्युमिनियम एथोक्साइड से रिएक्शन करने के बाद एक मॉलिक्यूल तो हमारा बेटा एसिड में कन्वर्ट होगा, दूसरा मॉलिक्यूल हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बात इस रिएक्शन में ये है कि ये रिएक्शन यहां नहीं रुकती, ये बात बोल सकते हैं या आगे बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन प्रोसीड होकर के हमारा एसिड का OH और हमारे अल्कोहल का H दोनों इस तरीके से क्या होगा, वाटर का यहां से इलिमिनेशन होगा, CH3COOC2S5 यानी एथाइल एसिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। वही बात मैंने बोला, व्हिच फर्दर रिएक्शन टू फॉर्म एस्टर, यानी कि अगर आगे रिएक्शन प्रोसीड होती है और क्या बनता है, यहां पर एस्टर का फॉर्मेशन होता है। अगर आप बेंजल्डिहाइड में भी देख लें, बेंजल्डिहाइड में एक में अल्फा हाइड्रोजन है, वो वाला एग्जाम्पल मैंने दिखाया है, और एक विद वाला एक विदाउट वाला, दोनों हमने दिखा दिया बेटा, ध्यान दीजिएगा। C6H5CHO बेंजल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड जो है हमारा, बेंजल्डिहाइड में हमारा अल्फा हाइड्रोजन बेटा नहीं हुआ करता था और कैनिजारो रिएक्शन शो करता था। लेकिन अगर मैं एल्युमिनियम एथोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से अगर ले लिया जाए रिएजेंट, तो हमारा एक मॉलिक्यूल तो बेंजोइक एसिड, दूसरा हमारा हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करेगी लाइक दिस, जस्ट जैसे कि अभी मैंने बताया, यहां से क्या होगा, एसिड का जब कभी भी एस्टर बनता है, तो हमने आपको बताया था फिलहाल जब अल्कोहल पढ़ा रहे थे, तब वो यहां पर एसिड का OH ग्रुप जाता है, अल्कोहल का एच जाता है, ठीक है, क्लीवेज वाले कंडीशन में बताई थी मैंने, ठीक है। इस तरीके से क्या बन जाएगा, C6H5 C डबल बॉन्ड OOC6H5 यानी बेंजाइल बेंजोएट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये भी हमारा कौन है बेटा, एस्टर है, ये दोनों के दोनों हमारे कौन है, एस्टर है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि इट इज मॉडिफाइड कैनिजारो रिएक्शन, ये कैनिजारो रिएक्शन का क्या है, मॉडिफाइड रूप है, जिसे हम बोलते हैं टिसिनको रिएक्शन, क्या बोलेंगे, टिसिनको रिएक्शन, ठीक। ये हमने क्या किया, पूरी तरीके से कैनिजारो रिएक्शन हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। एक दो नोट हैं, उनको भी मैं इसी के साथ बता देता हूं, ठीक है। अगर हम बात करें, अच्छा एक बात फिर से मैं बोलूंगा कि हमारा कीटोन हमारा जो होता है कैनिजारो रिएक्शन को नहीं शो करता, वो कोई भी कैनिजारो रिएक्शन हो, ठीक, ये बात हम पहले बोल चुके हैं। अच्छा अब हम नोट करके एसीटोन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। व्हेन एसीटोन सैचुरेटेड विद HCl गैस, अगर हमने क्या किया, एसीटोन को सैचुरेट करवाया, रिएक्शन करवाया किसके साथ, HCl गैस के साथ, एट लो टेम्परेचर पर फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए,
इट फॉर्म मैसिटाइल ऑक्साइड, ठीक है, तब ये किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा, ये बनाएगा मैसिटाइल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने एसीटोन को, किसको बेटा, एसीटोन, ये हमारा कीटोन है, एसीटोन की रिएक्शन अगर हमने क्या कर दिया, दो मॉलिक्यूल लिया गया है यहां पर, टू मॉलिक्यूल को लेकर के हमने क्या किया इस तरीके से, दो मॉलिक्यूल एसीटोन का लेकर के हमने क्या किया, HCl गैस के साथ रिएक्शन करवाई एट लो टेम्परेचर पर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए, तब ये किसका फॉर्मेशन हुआ, मैसिटाइल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, और मैसिटाइल ऑक्साइड का फॉर्मेशन तब होगा जब मैं एसीटोन का दो मॉलिक्यूल लूंगा, तब मैसिटाइल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, और अगर मैंने एसीटोन का तीन मॉलिक्यूल ले लिया तब हमारा क्या होगा, फोरेन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, फोरेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और इस मैसिटाइल ऑक्साइड और फोरेन को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस डिस्टिलेशन, यानी अगर हम चाहें तो मैसिटाइल ऑक्साइड और फोरेन को, दोनों को हम अलग करना चाहते हैं तो हम अलग कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। अच्छा, एक बात आपको याद आना चाहिए, स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा हमने बताया था आर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल की बात किया था, याद अगर आपको हो तो, दोनों को हमने कहा था सेपरेट कर सकते हैं बाय, हमने क्या बताया था, स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है, वो बात दूसरी थी। फिलहाल हम यहां पर आते हैं, तो हमने क्या बताया, दो मॉलिक्यूल अगर एसीटोन का रिएक्शन का लिया, एससीएल गैस के साथ रिएक्शन करवाई, तब यहां पर डिहाइड्रेशन होता है और क्या बनता है, मैसिटाइल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि अगर मैं बात करूं कैसे हुआ होगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 है, ये भी क्या है, CH3 ही है, मैं जानबूझ करके इस तरीके से लिखा हूं कि जिससे मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरीके से वाटर का एलिमेंट, ऐसे पढ़ाने में भी आसानी होती है। तो CH3 ये हो गया ट्वाइस, और C डबल बॉन्ड और CH और C डबल बॉन्ड OCH3, इसका नाम क्या है बेटा, मैसिटाइल ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, मैसिटाइल ऑक्साइड। अगर इसका IUPAC नाम लिखना चाहें तो नाम लिख सकते हैं, इसको CH3 इस तरीके से भी दिखा सकते हैं आप, जिससे कि IUPAC नाम लिखने में आपको आसानी हो। ये हमारा हो गया बेटा CH3, और दूसरा हमारा क्या हो गया, CH3। नंबरिंग हम कहां से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 4 मेथाइल हो जाएगा, और हम बात करें 1, 2, 3, 4, 5 पेंट, 1, 2, 3 3-ene-2-one, ठीक, नाम लिखना चाहो तो IUPAC नाम लिख सकते हो। IUPAC हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई है। फिलहाल पहले क्या करेंगे, इस तरीके से सबसे लंबी कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे, लिखते वक्त प्रीफिक्स प्लस फिर क्या कहते हैं रूट वर्ड, फिर सफिक्स फर्स्ट, फिर सफिक्स सेकेंड, ठीक, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाम फेमस फिलहाल कौन है, मैसिटाइल ऑक्साइड, ठीक। आगे बात करते हैं, अगर मैंने एसीटोन का अगर मैंने क्या कर लिया बेटा, तीन मॉलिक्यूल ले लिया, दो मॉलिक्यूल से तो हमारा क्या बना है, मैसिटाइल ऑक्साइड। अगर तीन मॉलिक्यूल ले लिया तो तीन मॉलिक्यूल में कैसे क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें हमने क्या बताया, अगर मैंने दो मॉलिक्यूल लिया तो एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हुआ है, अगर दो लेंगे तो तीन वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन करवा दीजिएगा। कैसे करवाओगे, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O। मेरा लिखने का थोड़ा सा तरीका मैंने थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से रखा है, जिससे कि हम पानी को निकाल सके, डिस्टिलेशन कर रहे हैं, ठीक है, HCl से, और सॉरी इस तरीके से HCl सिलेक्शन करवा रहे हैं, और HCl सिलेक्शन करवाने के बाद हमने क्या किया, डिहाइड्रेशन हो रहा है, समझ लीजिए एक तरीके का, दो वाटर मॉलिक्यूल हमारा निकल रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O फिर CH डबल बॉन्ड CH3 इसका नाम बेटा क्या है, फोरेन, इसका नाम क्या है, फोरेन, ठीक है। अब यहां पर क्या है, मैसिटाइल ऑक्साइड, इसका नाम है फोरेन। अच्छा आइए, उसका IUPAC नाम नहीं लिखा, इसका IUPAC नाम लिख देते हैं थोड़ा सा आपके लिए, थोड़ा सा सबसे पहले हमने क्या कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन मॉलिक्यूल आइडेंटिफाइड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड। अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात कार्बन की चेन, इसका मतलब ये बात सच है, ठीक है, और हमारा इसका मतलब सात कार्बन की चेन होगी हमारी, और कितने कार्बन पर प्रीफिक्स लगा है, 1, 2 दूसरे पर मेथाइल लगा है, 3, 4, 5, 6 छठे पर लगा है। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाम लिखते वक्त प्रीफिक्स लिखते हैं 2, 6 डाई मेथाइल, क्या लिखेंगे बेटा, 2, 6 डाई मेथाइल, 2, 6 डाई मेथाइल, और कितने कार्बन की चेन है बेटा, 7 कार्बन की चेन है, 7 कार्बन चेन को क्या बोलेंगे, हैप, ठीक है, लेकिन दो डबल बॉन्ड है तो इस तरीके से हेप्टा भी बोल सकते हैं, क्यों, डाई इन की बात आ रही है, 1, 2, 2, 3, 4, 5 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
तो एक दो दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तीन चार पांचवें पर है, तो हम ये लिख सकते हैं 2,5 डाइईन। क्या लिख सकेंगे? डाइईन, यानी ये प्रीफिक्स हो गया, फिर इसके बाद रूट वर्ड हो गया, फिर सफिक्स सेकेंड हो गया, और क्या है बेटा 1, 2, 3, 4, और यहां क्या लिखोगे? 4-ओन लिख सकते हो। ठीक, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। यहां पर हमारा देख लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इस तरीके से। यहां पर भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 1, 2, 3, 4, 4 मेथाइल लिखोगे, 2, 2, 4, 1, 5 पेंट, 1, 2, 3, 3 ईन और 2-ओन। ठीक, इस तरीके से आईयूपीएसी नेम आप लोग जानते हो अच्छे से, आपको हम पढ़ा भी चुके हैं बढ़िया से। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं, व्हेन एसीटोन डिस्टिल्ड विद किसके साथ? कंसंट्रेट H2SO4। अगर हमने क्या किया, एसीटोन को अगर हमने कंसंट्रेट H2SO4 के साथ अगर डिस्टिल कर दिया, हम HCl के साथ कर रहे थे, तब क्या बन रहा था? दो मॉलिक्यूल से मेसिटाइल ऑक्साइड, तीन मॉलिक्यूल से फोरेन। ठीक, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर मैंने कंसंट्रेट H2SO4, ये भी हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है, लेकिन हमारा इस तरीके से अगर बात किया जाए तो कंसंट्रेट H2SO4 सिलेक्शन करवा दिया जाए, तब यहां पर क्या बनेगा? मेसिटिलीन का फॉर्मेशन होगा। मेसिटिलीन का फॉर्मेशन कैसे, क्या यहां पर ध्यान दीजिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 एज इट इज, यहां पर सेम, जहां फोरेन वहीं हमारी मेसिटिलीन, फर्क इतना वहां HCl, यहां का क्या? कंसंट्रेट H2SO4। ठीक, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। अच्छा, नाम लिखना चाहे, और 3 वाटर मॉलिक्यूल हमारा इलिमिनेट हुआ, यहां पर 2 वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट हुआ। यहां पर ध्यान दीजिएगा, नाम लगा लिखना चाहे इसका तो लिख सकते हैं, इसका नाम है मेसिटिलीन है। अगर वैसे नाम लिखना चाहे तो नंबरिंग हम यहां से कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां पर क्या लिखेंगे? 1, 3, 5 ट्राई मेथाइल। क्या लिखोगे? ट्राई मेथाइल, और क्या लिख दोगे? बेंजीन। ठीक, इस तरीके से हमारा क्या हुआ, हमारा पूरी तरीके से कैनिजारो रिएक्शन हो गई, और हमने क्या किया, एसीटोन के साथ जो भी रिएक्शन करवानी थी हमने करवा लिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, एक क्वेश्चन तो कंफर्म आना है, या तो कैनिजारो रिएक्शन की जो आपकी ये लेक्चर में अपलोड करूंगा ये वाला, और इससे जस्ट पहले वाला कन्फर्म एक दो क्वेश्चन 100% आएगा, क्लिक करके ले लीजिएगा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।